प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा नौवीं गणित का चैप्टर फर्स्ट, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले 1.1 के लिए जो इस बेसिक की हमें जरूरत पड़ेगी, जिन जिन बातों की हमें जरूरत पड़ेगी उस एक्सरसाइज को समझने के लिए, एक बार उनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बेसिक हमें जिन जिन बातों की जरूरत है, एक बार उनको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। पांचवी क्लास से ही हम संख्याओं के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो पांचवी क्लास में हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं आ जाती थी। तो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं भी बोल देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। इसको एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखते हैं। तो ये कौन सी संख्याएं होगी? जो पूरी पूरी संख्याएं हैं, जो हम प्रकृति में अपने नेचर में यूज करते हैं, जैसे सड़क पे तीन बस जा रही है, चार लड़के खड़े हैं, चाहे ऐसा तो नहीं कहते मान लो एक बस बड़ी है और एक छोटी है, तो इस तरह से तो नहीं बोलते हम कि सड़क पे डेढ़ बस जा रही है। तो प्रकृति ने हर एक चीज पूरी पूरी बनाई हुई है, तो पूरे पूरे नंबर जो हमारे हैं, तो ये कहां से शुरू होंगे? एक से। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इस तरह से ये चलते रहेंगे। तो क्योंकि प्रकृति ने हर एक चीज पूरी बनाई है, तो इस वजह से हमने इसको क्या कह देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर। उसके बाद इसमें जब हम जीरो और ऐड कर देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो और ऐड कर देते हैं, तो हम वो संख्याएं कैसी बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब देखो, हमें मैथमेटिक्स में कोई कोई बात कहनी है, मान लो मैं किसी बच्चे से कहूं कि उस दूसरे वाले कमरे में कितने बच्चे बैठे हैं ये चेक करके आओ, मान लो अगर वो कहे कि उसमें पांच बच्चे बैठे हैं, तो आगे कहेगा कि पांच, अगर दस है तो वो कहेगा दस, तो वो अगर वहां कोई भी नहीं है तो वो आके बच्चा आके कहेगा कि सर उस क्लास में कोई नहीं है। तो इस कोई नहीं शब्द के लिए हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स में एक सिंबल बना दिया इसके लिए, तो उसको हम कोई नहीं की जगह पे हम उसको मैथमेटिकली जब लिखेंगे तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, जीरो। तो यहां पे जीरो भी आ जाता है, तो इसमें हम जीरो भी शामिल कर लेते हैं। पूर्ण संख्याओं में हमारे पास कौन आ जाएगा? जीरो भी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इस तरह से चलता रहेगा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, इसको हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। ये पूर्ण होगी अब संख्याएं हमारे पास। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें एक दूसरे के साथ लेन देन करना पड़ा, किसी से हमने 500 रुपए ले रखे हैं, किसी से हमने 500 रुपए दे रखे हैं, तो हमारे पास कितने बचेंगे? तो इस तरह का हिसाब रखने के लिए हमें कैसी संख्याओं की जरूरत पड़ी? पूर्णांकों की जरूरत पड़ी। इसमें कैसी संख्याएं आ गई? प्लस वाली भी आ गई और माइनस वाली भी आ गई, यानी कि जो हमें लेने हैं उनको हम प्लस में लिख लेते हैं, जो हमें देने हैं उसको हम माइनस में लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पूर्णांकों में कौन सा आ गया? जीरो भी आ गई और ये प्लस वाले आ गए सारे, और इसके साथ साथ ये माइनस वाले भी आ गए, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, चलते रहे, ये कभी खत्म नहीं होती, ना प्राकृतिक संख्याएं खत्म होगी, ना पूर्ण संख्याएं, ना पूर्णांक। अब आप देखेंगे, देखो ये जीरो है ना, जो आप सुबह सुबह तैयार होते हो घर में दर्पण के आगे, शीशे के आगे खड़ा होके, तो आप अगर 3 फुट की दूरी पे है तो इमेज भी 3 फुट की दूरी पे बन जाएगी यहां पे, अगर आप 2 फुट की दूरी पे है तो इमेज भी इधर 2 फुट की दूरी पे बन जाएगी। तो इस तरह से जितनी दूरी इधर 2 है जीरो से, उतनी दूर क्या है? माइनस 2 है। तो यहां प्लस वाले भी आ गए, माइनस वाले भी आ गए और जीरो भी आ गई, लेकिन है पूरे पूरे। तो ये हमारे पास हो जाएंगे पूर्णांक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, इसको हम लिखते हैं जेड से, इसको हम लिखते हैं जेड से। उसके बाद आती है हमारे पास परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रैशनल नंबर्स।
रैशनल नंबर्स, इसको हम लिखते हैं क्या उसे। अब देखो परिमेय संख्याएं कौन सी होगी, वो संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सके, यानी कि आसान सी भाषा में कहें कि बटे बड़ी संख्याएं, जिनको हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सके। और क्या है, क्यू जीरो नहीं है, क्यू हमारा जीरो नहीं है। एक तो पहली बात, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि p और क्यू कैसे होंगे, p और क्यू कैसे होंगे, p और क्यू हमारे पास पूर्णांक होंगे, p और क्यू हमारे पास क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस, एक प्लस का एक माइनस का हो सकता है, दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, बस क्यू जीरो नहीं हो सकता, बाकी पूर्णांक में से कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इसको हम आई से डिनोट करेंगे, कैपिटल आई से। तो जो जो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी वो कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं। जो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी वो कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं, यानी कि जिसको हम p बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये होती कैसी है, इनको अगर और अच्छे तरह से डिफाइन करना है तो इसको लिखेंगे हम नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट यानी कि दोबारा आना, बार बार आना, नॉन यानी कि बार बार नहीं आना, टर्मिनेट यानी कि खत्म होना, और नॉन टर्मिनेट यानी कि खत्म ना होना, यानी कि ना तो वो बार बार आए और ना ही वो खत्म हो। बार बार आना, रिपीटिंग का मतलब तो बार बार आना, बार बार रिपीट करना, और टर्मिनेट खत्म होना। तो नॉन का मतलब नहीं, तो ना तो वो बार बार आए और ना ही वो खत्म हो। ये किसके लिए लिखा गया, जब उनको दशमलव रूप में लिखे, जब उनको दशमलव रूप में लिखे। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, मान लो हमारे पास एक बटा तीन है, जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.333333, इस तरह चलता रहेगा, खत्म तो नहीं होगा। जब हम एक को भाग करेंगे तीन से तो जीरो, तो दस यहां दशमलव लग गया, तीन तिया नौ, एक बच गया फिर जीरो, तीन तिया नौ फिर एक बच गया फिर जीरो, तीन तिया नौ फिर एक बच गया, तो इस तरह चलता रहेगा। अब देखो, अब जब ये जो संख्या हमने लिखी है इसका दशमलव प्रसार लिखा, ये खत्म तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो गया। देखो तीन बार बार आ गया, तो रिपीट होने की वजह से क्या हुई, रिपीट नहीं होना चाहिए, ना तो रिपीट होना चाहिए था ना खत्म होना चाहिए, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो गया, रिपीट भी नहीं होना चाहिए था। तो ये जो संख्या हुई वो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। तो अपरिमेय नहीं होगी तो कैसी होगी, परिमेय होगी। अब इसको देखते हैं, जैसे मान लो एक बटा दो है, तो एक बटा दो को जब हम हल करेंगे इस तरह से भाग करेंगे 0.5 आ जाएगा। अब देखो ये रिपीट नहीं हुआ, ये बार बार नहीं आया लेकिन ये खत्म हो गया, खत्म भी नहीं होना चाहिए था, रिपीट भी नहीं होना चाहिए था। तो ये खत्म होने की वजह से, खत्म होने की वजह से हमारे पास कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। अब देखो मैं अगर कोई संख्या लिखू इस तरह से 0.10100100100000 और इस तरह से कर दो, अब आप ध्यान से देखो 0, यहां 10 फिर 100 फिर यहां 10 है, यहां 20 यहां 30 यहां 40, देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट तो तब होता ना जब ये ऐसे होता, एक इस तरह से बनता, फिर तो ये रिपीट था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अब ये तो देखो अलग है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 140 है। तो देखो ये ना तो ये रिपीट हो रहा है, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ये संख्या कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो इसी को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ना तो रिपीट हो और ना ही खत्म हो, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। एक तो एग्जांपल ये हो गया, एक आप ध्यान रखेंगे k
कि जो पाई है वो कैसी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अंक में अक्सर आ जाता है कि पाई कैसी संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है, 22/7 ये एक परिमेय संख्या है, और पाई कैसी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। पाई का मान हम अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 22/7 ले लेते हैं, लेकिन पाई हमारे पास एक अप्रिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखेंगे। और अप्रिमेय संख्या की बात करें हम, तो जैसे वर्गमूल, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, वर्गमूल 4 नहीं, वर्गमूल 4 से तो 2 मिल जाएगा हमें, तो वर्गमूल 4 नहीं। तो इस तरह की संख्याएं हमारे पास क्या होगी, अपरिमेय संख्या। और उसके बाद वास्तविक संख्याएं, जब हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा कर देंगे, जब हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम, वो सारी संख्याएं उनको कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आर से लिखते हैं। तो आर कैसे बनता है, परिमेय संख्याएं सारी, क्यों अपरिमेय संख्याएं सारी आई, इनको जब इकट्ठा, यानी कि इनको जब प्लस कर दिया, प्लस के लिए हम यहां पे एक सिंबल यूज करते हैं यू, यू का मतलब यूनियन, और यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो जो प्राकृतिक वास्तविक संख्याएं होंगी वो क्या होगी, रैशनल, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को जब हम इकट्ठा कर देंगे तो वो क्या संख्याएं बन जाएंगी, वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। दोबारा से रिपीट करते हैं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं तो क्या होगी, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याएं, 0 भी आ गया भाई, पूर्णांक माइनस वाले भी आ गए, परिमेय संख्याएं बटे वाली संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वो संख्या जो परिमेय नहीं है, यानी कि जो बटे वाली नहीं है, यानी कि वो संख्याएं जो ना तो रिपीट हो दशमलव रूप में लिखने पर और ना ही खत्म हो, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, या फिर दशमलव प्रसार लिखे तो ना तो रिपीट हो ना खत्म हो। जब हम परिमेय और अपरिमेय को इकट्ठा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। अब यहां से देखो, अगर हम यहां से देखें, एक बात और नोट करें कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उसके अंदर सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और जो पूर्णांक है उसके अंदर सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि ये भी सारी है, ये भी सारी है इसके अंदर, और जो परिमेय संख्याएं हैं, जो परिमेय संख्या है वाली बटे वाली भी है। अब देखो, जैसे मैं कोई भी एक संख्या लेता हूं, मान लो मैंने प्राकृतिक संख्या 4 ली, तो 4 के बटे में 1 लगा दिया तो ये पी बटा क्या होगी, फॉर्म की बन गई। अगर मैंने यहां से 0 लिया तो 0 के बटे में 1 लगा दिया तो ये भी पी बटा क्या होगी, फॉर्म की। देखो क्या वाला 0 नहीं होना चाहिए, क्या 0 नहीं होना चाहिए था, पी तो हो सकता है। अगर मैं -4 लू तो -4 के बटे में 1 लगा दू तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या बन गई। यानी कि ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, ये सारे के सारे किसके अंदर पड़े हैं, परिमेय संख्याओं के अंदर पड़े हैं। इसके अलावा इसमें और है बटे वाली संख्या, जैसे 1/2, 3/4, ये भी है इसके अंदर। यानी कि सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में पड़ी है, सारे के सारे पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में पड़े हैं, सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्याओं में पड़े हैं, अपरिमेय जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, और जब परिमेय और अपरिमेय को इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। अब देखो, हम इसको अगर एक चित्र की सहायता से समझे, इस बात को अगर एक चित्र की सहायता से समझे तो देखो भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, इससे बड़ा कौन है, पोल नंबर, तो इससे बड़ा कर देंगे, यानी कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं डब्ल्यू के अंदर है, पूर्ण संख्याओं के अंदर है, तो ये इससे बड़ा हो गया। अब यानी कि डब्ल्यू के अंदर एन तो है ही है, पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं तो है ही है, अब उससे बड़ा कौन है, पूर्णांक, ये हमने जेड लिख दिया। अब देखो, पूर्णांक के अंदर, पूर्णांक के अंदर कौन है, पूर्णांक के अंदर हमारे पास पूर्ण संख्याएं भी है और प्राकृतिक संख्याएं भी है। उसके बाद है हमारे पास कैसा आ गया हमारा, क्या रैशनल नंबर, क्या रैशनल नंबर, यानी कि इसके अंदर ये तो सारे हैं ही है, बटे वाली और दूसरी भी है, 2/3, 4/5, 6/7,
और अब अपरिमेय कैसी है, जो परिमेय नहीं है वो कैसी है, अपरिमेय है। अब अपरिमेय तो अलग होगी हमारे पास, अपरिमेय तो हमारे पास अलग हो जाएंगी, यानी कि जो परिमेय नहीं है परिमेय से अलग, तो ये इस तरह से अपरिमेय मिलनी नहीं चाहिए आपस में, तो अपरिमेय यानी कि हमारे पास इसको लिख देते हैं किसे लिख रहे हैं, आई से, तो यहां पे आई लिख दो। अब जब इनको और इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये सारी हमारे पास क्या बन जाएगी, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो ये इसका बेसिक है एक्सरसाइज 1.1 के लिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 की प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन है हमारा। इसमें कहा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, उसने पूछा है कि शून्य क्या परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम पी बटा क्या के रूप में लिख सकते हैं, पी और क्या पूर्णांक होते हैं और क्या जीरो नहीं होना चाहिए हमारा। अब क्या आप इसे पी बटा क्या के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्या पूर्णांक है और क्या जीरो के बराबर नहीं है। अब देखो सबसे पहले तो इसने ये पूछा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम पी बटा क्या यहां पे बताया भी गया है, पी बटा क्या के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्या पूर्णांक है और क्या जीरो नहीं है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, हां शून्य एक परिमेय संख्या है, हां शून्य एक परिमेय संख्या है। अब किस बेस पे कहा भी हमने ये बात, क्योंकि शून्य को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जीरो है ना, तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, बटे वाली। शून्य को हम लिख नहीं सकते हैं, जीरो बटे में एक, एक तो किसी के बटे में लगा लो उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो तो जीरो बटे एक के रूप में हम इसको लिख रहे हैं जब, तो ये किस फॉर्म में आ गई, पी बटा क्या की फॉर्म में आ गई, और क्या जीरो नहीं होना चाहिए था, क्या जीरो नहीं है हमारा, क्या तो वन है। दूसरी बात पी और क्या कैसे होना चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो चाहे जीरो, लेकिन पूरा पूरा होना चाहिए था, बिल्कुल पूर्णांक है जन्नो, तो सारी बातें सही होगी, तो हो गया हमारा काम। तो इसने एक तो बात पूछा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि शून्य के बटे में एक लगा देंगे तो पी बटा क्यू के फॉर्म की बन जाएगी, तो हाँ हो गया। अब आगे क्या, क्या आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ हम शून्य को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख दिया हमने, जीरो को जीरो बटा एक, तो ये देखो पी बटा क्या हो गया। अब पी का मान कितना है, जीरो, क्या का मान कितना है, एक। देखो सारी बातें सही है कि नहीं, एक तो वो कह रहा है कि पी और क्या पूर्णांक होने चाहिए, तो दोनों ही कैसे हैं, पूर्णांक है, बिल्कुल है, दोनों के दोनों कैसे हैं, पूर्णांक है, और क्या कैसा है, जीरो नहीं है, क्या हमारा जीरो भी नहीं है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आप अपने दिमाग में सोच के, अगर आपने शुरू का नंबर सिस्टम ध्यान से सुना है तो आप अपने दिमाग में भी सोच सकते हो। तो परिमेय संख्या कौन सी, जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बटे में, बस जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू पी और क्यू कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक है। दूसरी बात, यहां इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, मतलब कोई भी संख्या -3 इसके बटे में आप एक लिख सकते हो। -3 तो कैसा था, -3 तो हमारा वैसे तो क्या था, ये पूर्णांक था, लेकिन अब अगर हम बटे में लगा देंगे एक तो ये परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। जीरो के बटे में एक लगा दिया तो परिमेय संख्या बन गई। दो हमारा प्राकृतिक संख्या है, दो के बटे में एक लगा दिया तो परिमेय संख्या बन गई। तो इस तरह से एक तो आप किसी के बटे में भी लगा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।